दशहरा, दीपावली, छठ सहित अन्य त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने तथा लोगों में सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए गुरुवार को एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने सड़क पर रात्रि गश्त किया। इस दौरान एसएसपी ने कोतवाली थाना क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल गश्त किया और लोगों से वार्ता करके उन्हें सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया और कहा कि त्योहारों को शांतिपूर्वक उत्साह के साथ मनाएं। गोरखपुर पुलिस आपके साथ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, जी आज से आप देख ही रहे हैं, आज 3 तारीख हो गई और पंचमी से मूर्तियां रखनी जानी शुरू हो जाती हैं और त्यौहार का सीज़न है। दशहरा, नवमी और साथ ही साथ विसर्जन होना है, उसको देखते हुए पुराने शहर में आज फुट पेट्रोलिंग रखी गई और सभी जो बाहर से फोर्सेज आई हैं, आप देख सकते हैं RAF, PAC और आर्मर्ड की जो फोर्सेज आई हैं उनका एक्लिमेटाइजेशन, उनको रोड्स दिखाने होते हैं, उनको सड़कें गलियाँ दिखानी होती सो दैट की वक्त जरूरत वो पहुँच सकें। तो एक डोमिनेशन प्लान, उस सब की एक्सरसाइज आज की गई है। रूट्स चेक किए गए हैं जहाँ से विसर्जन होना है, विसर्जन स्थल चेक किए गए हैं, मूर्तियों को चेक किया जा रहा है और पूरी तरह से सतर्कता रखी जा रही है। अष्टमी, नवमी और दशमी और उसके बाद इवन एकादशी जब वो विसर्जन होता है, चारों दिन हम भरपूर संख्या में पुलिस रहेगी हर जगह पर। लोगों से गुजारिश है बहुत आपसी प्रेम भाव से, भाईचारे से, जिस प्रकार से पहले के त्यौहार मनाए गए गणेश चतुर्थी, मुहर्रम, उसी तरह से गोरखपुर में सभी त्यौहार सकुशल संपन्न होंगे।